झारखंड हाई कोर्ट से नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों में उबाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां शीतकालीन सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का आज रणनीति यही है कि वो लोग आज विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है वो एकत्रित आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है, अब हमारा आगे क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, जिसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है वो आवाज पूर्वक हम मतलब प्रशासन मुझे सहयोग करें, हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के कोऑपरेट होते, लेकिन यहाँ की बात है, लेकिन जब हजारीबाग से बस आ रहे हैं, वहाँ से जो रामगढ़ से बस आ रहे हैं, वहाँ पर प्रशासन जो अपना रवैया दिखा रही सरकार, बल्कि रात 12 बजे हमारे आंदोलनकारी मित्र देवेंद्र नाथ से बात, हम लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। सरकार कितना भी डरा ले, अगर उस सोचते हैं कि एक देवेंद्र चला गया तब यहाँ 1000 देवेंद्र खड़ा है, इसलिए हम लोग निश्चिंत भाव से यहाँ से जाएंगे और पुरानी नई विधानसभा तक जाके और अपनी मांग नीति तैयार कर रहे हैं। और सरकार से देखिए, मेरा पहला 3 डिमांड हम लोग का सरकार मान ले, पहला डिमांड है कि सरकार किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट न जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाएगी ये नीति जब हाईकोर्ट ने बोला है असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई पलट नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं माननीय कपिल सिब्बल तक इस केस को देखे हैं, तो ये केस तो खारिज ही होगा और हम लोग का समय टाइम पास हो जाएगा और 2024 में चुनाव आएगा और ये निकल जाएंगे और स्टूडेंट का उम्र पार होते जाएगा। हम चाहते हैं कि पहला तो ये सुप्रीम कोर्ट किसी की कीमत पर न जाए, दूसरा हमारा डिमांड है कि जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम हो सभी में 5 साल की छूट दी जाए, क्योंकि एक एक एग्जाम जो मैम जेई का लास्ट एग्जाम 2014 में हुआ था, आज 2022 हो गया, 8 साल में तो उम्र निकल गया बहुत लोगों का, तो हम चाहते हैं कि उसमें 5 साल की छूट मिले और जेपीएससी और जेएसएससी का जो है एक कैलेंडर सार्वजनिक जारी हो, एसएससी के तरफ से भी ये होता है, वहाँ कैलेंडर जारी होता है, एग्जाम किस दिन होगा, फॉर्म कब तक भराएगा, डेट रिजल्ट कब तक आएगा, ये उसमें जारी होता है। और प्लस में एक और डिमांड रहेगा कि जो भी फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका जो मॉडल आंसर किया है वो साइट पे अपलोड हो। अभी क्या हुआ मैम, जेपीएससी का एग्जाम हुआ है उसका मैम आज तक आंसर की नहीं हुआ, आज वो ज्वाइनिंग करके आज कहीं कहीं ज्वाइन हो गया, अंततः तो हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा कि अगर 3 सप्ताह में आप जारी नहीं कीजिएगा तो हम आप कंटेम्प्ट का कोर्ट केस करेंगे। स्टूडेंट के हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा मैम, यहाँ आपको फॉर्म भरवाने के लिए, नौकरी लेने के लिए, फिर नौकरी में ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद अपना नौकरी बचाने के लिए उसके लिए भी आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। जब हमको सब कुछ हाईकोर्ट में ही करना है तो सरकार क्या कर रही है? और सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं इतना उलझुल बयान दिए जा रहे हैं, उलझ बोल रहे हैं कि आपको नौकरी किस लिए चाहिए, किस और काम कर लीजिए, उनका बेटा जो है बीएमडी और ऑडी में घूमेगा, हम लोग यहाँ रोड पर घूमेंगे, ये कभी नहीं होगा लोकतंत्र में, राजशाही में ये होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लोकतंत्र में सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए ना, आप कम से कम एग्जाम लीजिए, हम कैंडिडेट हैं, अगर हम सफल होंगे तो अपने भी पे, नहीं होंगे तो हम आपसे पैरवी करने के लिए तो नहीं ना आ रहे हैं, आप एग्जाम लीजिए और फिर एग्जाम लीजिए। तो हमारा सरकार से डिमांड रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अविलंब संवैधानिक, इस शब्द को सरकार ध्यान से सुने, सरकार इस शब्द को भूल जाती है बार बार, संवैधानिक नियोजन नीति लाए और जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी वैकेंट पोस्ट है जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको फिल करे और उम्र में 5 साल छूट दिया और सुप्रीम कोर्ट न जाए, मेरा सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगा। अच्छा बताइए, कई जो अभ्यर्थी है उनको रोक दिया गया है, कई हजारीबाग से आ रहे थे, कई लोग रामगढ़ से आ रहे थे, उन लोगों को अलग अलग जगह पे रोक दिया गया है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं लेकिन आप लोगों ने कहा था काफी स्टूडेंट्स आएंगे, अभी काफी कम लोग लग रहे हैं, क्या उन लोगों से वार्ता हो पाई है? जी नहीं, कम लोग नहीं है, जबकि देखिए प्रशासन जो हर जिले से जो अभ्यर्थी आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और रोकने का जो प्रयास है यो सरकार बहुत ये विभत्स कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि छात्रों से उसे संवैधानिक तरीके से काम करने का तरीका सीखना चाहिए, जब जब स्टूडेंट इतने ऊर्जावान है और वो संवैधानिक नीतियों को नहीं छोड़ रहे हैं, वो तरीकों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि हम जिस चीज को कर रहे हैं उसे वो सीखे, क्योंकि हर एक क्षेत्र में वो देखेगा असंवैधानिक तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, चाहे हाईकोर्ट में नियोजन नीति का चैलेंज होने का मामला हो, हर एक क्षेत्र में देखिए असंवैधानिकता ही इन्होंने अपनाया है। जब विधि विभाग आपको कह दिया हो कि ये नीति कोर्ट में नहीं टिक पाएगी तब आपको आगे बढ़ने का क्या जरूरत था, लेकिन नहीं, वो काम वो करेंगे क्योंकि उन्हें पता है उन्हें जो काम करने के लिए छात्रों ने वहां भेजा है वो काम उनको करने से मतलब नहीं है। आप देखिए दारू मोद मंत्री श्री जगन्नाथ महतो वो इतना विभत्स हो चुके हैं, उनका मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, वो क्या क्या बोलते हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं,
मुझे लगता है कि इन मंत्रियों को अब ट्रेनिंग लेके पहले वहाँ बैठना चाहिए। पढ़े लिखे हुआ हम लोग रोड पर हैं और आज मौज और मस्ती करने की बात करते हैं हर एक क्षेत्र में। इन्हें शिक्षा मंत्री अब नहीं बल्कि दारू मौज मंत्री कहा जाना चाहिए। शिक्षा एक बहुत पवित्र शब्द है, मुझे लगता है इस शब्द की गरिमा को बचा दारू मौज मंत्री कहा जाना चाहिए। और हम लोग छात्र हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को रखते हैं, लेकिन अब जिस तरह से सरकार हम लोगों के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है ये सरकार सफल नहीं हो पाई, क्योंकि अंदर आत्मा की आवाज है और झारखंड का हर एक अभ्यर्थी 1932 बना रही है जो बना रही है उसके चक्कर में अपना कार्यकाल निकाल देगी और किसी को नौकरी नहीं देगी। तो इस सरकार का क्या है कि यहाँ के मंत्री लोग को भी पता नहीं है, जो उदाहरण देते हैं कि बंगाल में ऐसा है, एक वर्ड तो पढ़ लिए, एक लाइन पढ़ लिया, समझे ही नहीं कि उसका पूरा क्लोज क्या था, क्योंकि समझ भी नहीं है। और लोगों को उलगुलाने के लिए दो चार बात बोल देते हैं, बस सब खुश हो जाते हैं, अरे हम ही को संवैधानिक तरीके से सब कुछ का पालन, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए हम लोग आगे ले जाएंगे। और जब तक हम लोगों की जो मांग है कि एक सुनियोजित और नियोजन नीति जिससे कि आगे हमको कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस न करना पड़े।